आज पूरा राष्ट्र हिंदी दिवस मना रहा है। इस मौके पर सभी हिंदी दिवस को लेकर अपने अपने तरीके से बधाइयां और संदेश दे रहे हैं। हमीरपुर में आदर्श पब्लिक स्कूल की छात्रा एशना ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर एक सुंदर कविता लिखकर प्यारा सा संदेश दिया है, आइए इसे सुनते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें हिंदी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अलग अलग तरह की कविताओं की आवश्यकता होती है। हमारी हिंदी के ऊपर आधारित यह कविता हिंदी के महत्व और वर्तमान परिदृश्य में हिंदी की स्थिति को वर्णित करती है। हिंदी हिंदो हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोच इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों, 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान, 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान। क्यों भूल जाते हैं हम, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान, क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान। भूल गए हम क्यों, भूल गए हम क्यों, इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम, इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम। आज इन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम शत शत प्रणाम, आज इन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम शत शत प्रणाम। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान, उठे खड़े हो करें मिलकर प्रयास हम, दिलाए अपनी मातृभाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि फिर से कह सके हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।